दोस्तों पंजाब की टीम को हराकर आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 के अंदर अब लगातार 4 मैचेस जीत चुकी है और इसी के साथ आरसीबी की टीम की ओवरऑल 5 विन हो चुकी है और प्लेऑफ्स की रेस में भी आरसीबी की टीम अभी भी बनी हुई है। तो यहां पर आरसीबी की टीम का क्या सिनेरियो होने वाला है प्लेऑफ्स में जाने के लिए, चलिए बात करते हैं। तो अब आरसीबी की टीम के आईपीएल 2024 के अंदर 2 मैचेस और बचे हुए हैं। पहला मैच जो कि 12 मई को दिल्ली के सामने होने वाला है और दूसरा मैच चेन्नई के सामने 18 मई को होने वाला है। दोनों मुकाबले आरसीबी की टीम के लिए डू और डाई है, आप लोग कह सकते हो दोनों एक नॉकआउट मुकाबले हैं। आरसीबी की टीम को दोनों जीतने पड़ेंगे, वो भी एक अच्छे नेट रन रेट से, और दोनों ही मैचेस जो आरसीबी की टीम के अपने होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी में होने वाले हैं, तो एक बड़े हाई स्कोरिंग मुकाबले हम सभी को देखने को मिलेंगे। इसके बाद आरसीबी की टीम को होप करनी है कि चेन्नई की टीम के जो बचे हुए 3 मैचेस हैं, चेन्नई की टीम उनमें से 2 मैचेस हार जाए। एक तो चेन्नई का आरसीबी के सामने होने वाला है और बाकी के 2 मैच चेन्नई की टीम राजस्थान और गुजरात के सामने खेलेगी। तो यहां पर आरसीबी फैंस को आरसीबी की टीम को उम्मीद लगानी पड़ेगी कि चेन्नई की टीम जो है वो गुजरात राजस्थान अगर दोनों से हार जाती है तो आरसीबी की टीम का यहाँ पे प्लेऑफ्स में जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स के अंदर जा सकती है। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? वैसे दोस्तों आरसीबी की टीम ने लगातार 4 मैचेस तो जीत लिए हैं, अब बचे हुए 2 मैच भी आरसीबी की टीम जीत सकती है क्योंकि अब आरसीबी की टीम के पास खोने को कुछ है नहीं। आरसीबी की टीम अपना 100% हर मैच में देने वाली है। तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताइए आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी या नहीं, आप लोग नीचे अपनी राय जरूर दीजिएगा।